मेरे इतने करीब मत आ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ज्यादा ही बोल रहे हैं आप। नहीं तो बेवकूफ को बेवकूफ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सज्ञान क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं नहीं क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। करके दिखाइए, मैदान में आइए, यही बताइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ओहो, और भाई लोग क्या हालचाल, सब बढ़िया। सो गाइस कैसे हो आप लोग, मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। सो गाइस जैसा कि आपने देखा, आज की वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं हिप हॉप प्लेयर के साथ रिवेंज। अब आप लोग में से बहुत से भाई लोग ने ध्यान से देखा होगा और ध्यान से नहीं देखा हो। जो गाइस ध्यान से नहीं देखे हो उन लोग के लिए गाइस मैं फिर से एक बार दिखा दूं। गाइस ये रहा हिप हॉप का बंदा। गाइस देखो उसने हिप हॉप का कैप पहना है, वो जानबूझ के गाइस अपने हिप हॉप का वो बंडल नहीं पहना है, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो हिप हॉप की बंडल पहनेगा तो गाइस उसको सब दौड़ा दौड़ा मारेंगे, इसलिए उसने हिप हॉप का बंडल नहीं पहना था। बट गाइस आपका भाई नल्ला यश उसको पहचान लिया था कि हाँ भाई ये हिप हॉप वाला है एंड भाई इस बंदे को अपने को मारना है इस मैच में। बट उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, गाइस आज की वीडियो में मैंने 500 का रिडीम कोड रखा है, तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना विदाउट स्किप, क्योंकि गाइस अगर आप लोग ने वीडियो को स्किप किया तो गाइस आप लोग बहुत कुछ मिस करने वाले हो। सबसे पहली बात गाइस इस वीडियो का एंटरटेनमेंट आप लोग मिस कर दोगे और साथ ही साथ गाइस आप लोग 500 का रिडीम कोड भी मिस कर दोगे, क्योंकि गाइस मैं रिडीम कोड कहीं पे भी वीडियो के बीच में लगा दूंगा। अगर आप लोग सोचोगे कि स्किप कर करके मतलब देखने के लिए, तो गाइस उसमें आप लोग बहुत कुछ मिस कर दोगे और रिडीम कोड भी मिस कर दोगे। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना। बट उससे पहले गाइस यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड हाँ भाई, जो भी अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज यार नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। एंड हाँ भाई, आप लोग को पता होगा मैं हर एक सीजन ग्रैंड मास्टर के लिए पुश करता हूँ और वो भी ग्लोबल के टॉप या फिर टॉप टू पे रहता हूं। तो गाइस इस सीजन में मैंने यार ग्रैंड मास्टर पुश किया है और गाइस वही ग्रैंड मास्टर पुशिंग करने के टाइम ये ऐसा मेरे गेम में ये हिप हॉप वाला आया था और भाई उसी टाइम अपने गेम में भाई बहुत ही खतरनाक वाला मूवमेंट आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना गाइस इस वीडियो को अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। गाइस मेरे को तो भाई खुद मतलब मजा है इस गेम में, तो गाइस देखते हैं कि आपको भी मजा आता है कि नहीं। गाइस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करने के बाद मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस यहां सब अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो अपन सब ऑब्जर्वेटरी लैंड किए थे और भाई यहां से अपन लोग लूट करते हैं एकदम अच्छा खासा वाला, एक लॉन्ग रेंज एक शॉर्ट रेंज गन्स दोनों रख लेते हैं ताकि अगर उनकी स्क्वाड के साथ अपना फाइट हो तो भाई उनको हम लोग फाड़ के रख देंगे। और भाई जैसे ही मैं नीचे जाता हूं गाइस देखो यहां पे डबल डोर के अंदर बंदा है और भाई उसने मेरे टीममेट्स को डाउन कर दिया, ठीक है। तो गाइस मेरे को लगता है कि भाई इसके ऊपर दो बंदा है, बट गाइस यहां पे मेरा टीममेट्स बोलता है कि एक ही बंदा, यश भाई जाके रश करो। और भाई देखो यहां पे मैं जैसे ही जाता हूं मेरे सामने और भाई मैंने मैक से इसको हेडशॉट मार दिया। देखिए गाइस ये MP40 का स्प्रे किया था बट गाइस अपना मैक के सामने कौन टिकता है भाई। और हां भाई आप लोगों से एक और मैं बात बोलूंगा, अगर आप लोग MP40 या फिर MP5 या फिर UMP यूज करते हो तो गाइस आप लोगों को मैं ज्यादा बोलूंगा कि आप लोग फुल मैप में ना शॉर्ट गन ज्यादा यूज किया करो। अगर आप लोग शॉर्ट गन चलाना सीख गए ना गाइस तो देखो उससे दो फायदा है। एक तो पहला फायदा ये रहेगा कि गाइस अगर आपके पास शॉर्ट गन का स्किन हो या ना हो, ठीक है, तो आप 3 से 4 गोली में बंदे को डाउन कर सकते हो। बट गाइस यही अगर आप लोग SMG गन यानी UMP MP40 ये सब चलाओगे ना तो आपके पास स्किन नहीं रहेगा तो गाइस आप लोग का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे सपोज डेट जैसे मान लो गाइस यहां पे एक बंदा आया, ठीक है, मेरे पास UMP का स्किन नहीं है और उसके पास UMP का स्किन है तो गाइस वो मेरे को मार देगा, बट गाइस मेरे को मारने में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो गाइस इसलिए मैं बोल रहा हूं आप लोग शॉटगन यूज किया करो। और भाई यहां पे देखो सीन कुछ ऐसा होता है गाइस, जैसे मैं अंदर लूट करता हूं गाइस मेरे को फुटप्रिंट आता है और भाई देखो मेरे सामने ये बंदा है। देखिए गाइस यहां पे देखिए गाइस शॉटगन का क्या कमाल देख रहे हो, मतलब इजीली हेड लग रहा है भाई, सबसे बेस्ट गन लगता है मेरे को मैग, ठीक है। अब कैसे लगता है मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। देखो मैग का सीन ये है गाइस कि अगर आप लोग मान लो मैग चला रहे हो ना तो आप लोग बंदे के एकदम शॉट में मत जाना गाइस, एकदम शॉट में आप लोग को जाना नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना। जैसे अभी मैं थोड़ा डिस्टेंस में रह के मारा ना, मतलब 5 या 10 मीटर का डिस्टेंस बनाना, उसके बाद गाइस आप लोग मैग चला था और उसके बाद गाइस थोड़ा सा ड्रैग कर देना दोगे ना तो गाइस इजीली आप लोग का हेडशॉट लग जाएगा। देखो ना अभी जैसे मैंने थोड़ा सा मतलब ड्रैग कर दिया लॉन्ग में जाने के बाद, तो देखिए गाइस कैसे मेरा इजीली हेडशॉट लगा, आप लोग को भी गाइस ऐसे ही हेडशॉट लगेगा। और हाँ भाई आप लोगों से एक बात बोलना तो मैं भूल ही गया गाइस, आप लोगों में से कौन कौन से भाई लोग यार रैंक पुश कर रहे हो मतलब इस सीजन, यार मेरे को कमेंट करके बताओ और अपनी UID भी देना
ताकि गाइज मैं सबकी यूआईडी यार चेक करूँ जिस बंदे का गाइज मेरे को गेम प्ले मतलब प्रोफाइल अच्छा लगेगा, मतलब उसने अच्छा खासा बुइया किया होगा, प्रोफाइल मेंटेन करके रखा होगा, तो गाइज मैं उस बंदे को ना रिक्वेस्ट डालूंगा, ठीक है, और भाई हो सके तो उस बंदे के साथ खेलूंगा। तो गाइज अगर आप लोग भी रैंक पुश कर रहे हो ना तो प्लीज यार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, प्लीज आप लोग यार अपनी यूआईडी ना मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, क्योंकि गाइज मेरे को अभी बंदों की नीड है, मेरे को बंदे चाहिए यार अपने साथ खेलने वाले, तो गाइज आप लोग ये जरूर से करना। एंड भाई देख सकते हो यहाँ पे 40 बंदे अलाइव है इस मैच में, और भाई ये गेम ना अपना बहुत ही ज्यादा हार्ड जाने वाला है। आप लोगों को पता होगा आज से करीब 2 या 3 सीजन पहले मतलब ऐसा सीन होता था जब 13,000 की लॉबी होती थी ना गाइज, इस गेम में मतलब इस टाइम पे गाइज 52 बंदे अलाइव होते थे, अभी तो मान लो 41 बंदे अलाइव है। इस वाले मैच में भी गाइज आपको लास्ट में बहुत खतरनाक फाइट देखने को मिलेगी, बट गाइज पहले क्या होता था इस टाइम पे 52 बंदे अलाइव होते थे, भाई बंदे ही नहीं मरते थे भाई, इतनी हार्ड लॉबी आती थी। और भाई यहाँ पे देखो भाई इन लोगों का फाइट चला, और भाई देखो मैंने एक टप्पा टप वन टैप मारा, ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्वाड है, तो गाइज थोड़ा सा मेरे को सेफ होकर खेलना पड़ेगा। देखो भाई एक बंदा मेरे सामने साइड से आ रहा है, मैंने इसको डैमेज दिया, ठीक है, इसने वॉल लगाया, कोई बात नहीं गाइज, अभी थोड़ा सा अपन लोग वेट करेंगे, ग्रेनेड तो नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो एक काम करते हैं गाइज इस बगल वाले एलसेप पे जाते हैं, क्योंकि वहां से जाएंगे तो अपने अच्छा खासा अपन सब मार सकते हैं, इसके अंदर जाते हैं। ओ भाई अभी तेरे भाई घर के ऊपर बंदा है गाइज, ठीक है, पीछे वॉल लगा लेते हैं, मेरे को पता है ये मारेंगे अपने को, और भाई देखो अपने पीछे अपनी स्क्वाड है अपने को कवर देने के लिए, ठीक है, ये बंदा एक शॉट में है, आ जा भाई तेरे को मैक का दिखाता हूँ हेडशॉट कैसे मारते हैं। देखो गाइज ये बंदा खुले में घूल रहा है क्योंकि इसके पास कार 98 है, ठीक है, और इसका एक और बंदा है, दो बंदे मेरे शॉट में आ गए, बट कोई नहीं गाइज अभी देखते हैं, ये इसको थोड़ा सा मैंने डैमेज दिया, ठीक है, यहाँ पे देखे गाइज मैक का मैंने आपको क्या बताया था, 3 से 4 गोली मारो शॉटगन का बंदा डाउन हो जाएगा, और भाई देखो यहाँ पे बंदा डाउन हो जाएगा, ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखो 3 किल हो गए हैं, और भाई सामने से ऊपर से बंदा मार रहा है, ठीक है, देखो जस्ट उसके ऊपर मेरे को दिख नहीं रहा, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा अपन लोग साइड में जाएंगे, कवर में जाएंगे, कवर में जाने के बाद मारेंगे गाइज, आप लोगों को सेम ऐसी स्ट्रेटेजी लगाना। और भाई देखो यहाँ पे मेरे को बंदा दिख रहा है, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे मैं सबसे पहले एक परमानेंट कवर ले लेता हूँ, कि अगर बाई चांस मेरे को वो डाउन भी कर देगा ना तो मैं साइड में कवर में चला जाऊंगा, मेरे को रिवाइव मिल जाएगा, ठीक है, तो गाइज यहाँ से मैं देखो धीरे धीरे डैमेज दे रहा हूँ, और भाई देखो मैंने उसको डाउन कर दिया, भाई उसने मेरा 5 का हेल्थ छोड़ा था, बट गाइज मेरे पास के करेक्टर इसके चलते मेरे को ईपी मिल रहा था, ईपी से एचपी, तो गाइज यहाँ पे देखो मैंने आगे वाले बंदे को तो डाउन कर दिया, ठीक है, और गाइज मेरे को कंफर्म पता है कि सामने भी 2 या 3 बंदे हैं, तो गाइज थोड़ा सा मेरे को सेफ होकर खेलना पड़ेगा, और भाई देखो वो बंदा मेरे को मारने का ट्राई कर रहा है, ठीक है, मैंने उसको फिर 45 का डैमेज दिया, और भाई देखो साइड से मेरी स्क्वाड रश कर रही है, गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब गाइज देखो अगर आप लोग भी फुल मैप खेल रहे हो, ठीक है, तो आप लोग एक काम करना, एक बंदा जब फायरिंग कर रहा है ना तो दूसरे या तीसरे बंदे को बोलो कि भाई तुम साइड साइड से मतलब कवर करो, मतलब साइड से तुम जाओ ऊपर के साइड और फिर मारो, और भाई देखो यहाँ से मैं नीचे से मार रहा था, इनको डैमेज दे रहा था, और साइड से अपने बंदे गए और इनको देखो भाई डाउन कर दिए, भले से मेरे को किल नहीं मिला, बट गाइस यहाँ पे देखो टीम का कोऑर्डिनेशन आप लोग को कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पे भीमा शक्ति आ चुके हैं, और भाई देखो 38 बंदे लाइव गाइस, थर्ड या फोर्थ जोन है, और गाइस देखो मेरे सामने एक बंदा है एलसेफ साइड में भी, तो ये चलो इसको मारते हैं। और भाई यहाँ पे एक बार फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ गाइस अलाइव चेक कर लो, 38 अलाइव है, एंड भाई बहुत ही ज्यादा मजे आने वाला इस वीडियो में। ओ भाई अबे भाई M10, अबे भाई देखो मैंने बोला था गाइस, देखो ये बंदा भी शॉटगन चला रहा है, देखिए गाइस यही बोला था आपको, शॉटगन के पास अगर आपके पास स्किन हो या ना हो आप जाओ शॉट में मारो, 2 या 3 गोली में बंदा डाउन हो जाता है। और भाई देखो अचानक से उस बंदे ने, मैं जैसे ही गेट के अंदर गया उसने मेरे को 3 गोली मारा, बूम बूम बूम, और मैं खत्म, ठीक है, तो गाइस यहां से मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूं कि मेरे को जल्दी जल्दी रिवाइव दो, क्योंकि भाई देखो जोन छोटा है, और भाई अगर इन लोगों ने मेरे को जल्दी से रिवाइव दे तो गाइस जहां पे मैं मरा था वो अपने लूट बॉक्स में जाकर लूट लूंगा, और भाई देखो इन लोगों ने मेरे को जल्दी से रिवाइव भी दिया। और देखो आप लोगों से एक और बात बोलूंगा गाइस, देखो अपने 3 बंदों ना मतलब हमेशा सेफ खिलाया करो, और एक बंदे के पास हमेशा अपना टोकन दे दिया करो, बाई चांस अगर मान लो 3 बंदे फाइट करने के टाइम मर जाएंगे तो जो अपना चौथा बंदा रहेगा जो सेफ खेलता होगा वो टोकन आपको रिवाइव दे दो। गाइस देखो ये सब स्ट्रेटेजी आप लोग को इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार मेरे साथ आप लोग का भी गेम प्ले एकदम ओपी लेवल वाला हो जाए, क्योंकि मेरे को पता है ना कि मेरी सब्सक्राइबर ना मतलब मेरी तरह यार मतलब खेलना एकदम मस्त खेल हो यार, जहां भी जाओ एकदम मचा के आओ, और वहां पे लिखो यार हैशटैग नल्ला यश, समझ रहे हो ना गाइस। चलो भाई कोई बात नहीं, तो गाइस यहां पे देखो मेरा लूट बॉक्स यही एकदम जैसे कि तैसे पड़ा था, ठीक है, मैंने बोल दिया था अपने टीममेट्स को कि भाई मेरा लूट बॉक्स कोई नहीं लूटेगा, और देखो उन लोगों ने लूटा भी नहीं। तो गाइस यहां पे देखो मैं मेरा मैग और मेरा ABCD गन, जो भी मैं इसको ABCD बोलता हूं, गाइस ये दोनों गन यहीं पे था। तो गाइस एक काम करते हैं यहां से सबसे पहले थोड़ा 3 का वेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, और ग्लू वॉल 1-2 ले लेते हैं। तो गाइस यहां पे देखो मेरे पास 10 वॉल है और गाइस 3 का वेस्ट, तो गाइस मेरा लूट पहले की तरह हो गया है, और अभी भी गाइज वो देखो हिपो पुलिस स्क्वाड बची है। तो गाइज क्या लगता है आप लोग, मतलब आप लोगों को क्या लगता है
लगता है मैं हिपो पुलिस स्क्वाड को मार पाऊंगा या नहीं। और गाइस यहां पे देखो फोर्थ जोन बन चुका है और देखो मेरा हेल्थ भी कितना काटेगा। अब देखो गाइस यहां पे मेरा कैरेक्टर स्किल का पावर, देखो गाइस जोन तो बन चुका है ठीक है, और देखो थोड़ा थोड़ा मेरा एचपी काट रहा है। देख लो गाइस के कैरेक्टर का यहां पे एबिलिटी यूज में आ रहा है। ये अगर मैं अगर बिना के कैरेक्टर का रहता ना तो गाइस यहां पे कम से कम नहीं तो मेरा 10 या 15 का हेल्थ काटता। बट गाइस यहां पे देखो मेरा हेल्थ थोड़ा भी नहीं काट रहा, बस ईपी मेरा खत्म हो रहा है। तो गाइस देखना के कैरेक्टर का कितना मस्त एबिलिटी है। और गाइस यही सब स्ट्रेटेजी और एबिलिटी हम लोग लगा के गाइस हमेशा रीजन के टॉप 1 या टॉप 2 पे जाते हैं। तो गाइस इसी बात पे यार इस वीडियो को आप लोगों को मतलब लाइक करना है, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। और हां भाई इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों में शेयर करो जाके यार, उनको भी थोड़ा जो अपनी स्क्वाड में है ना उनको भाई इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ये वीडियो देख के उनको भी कुछ सीखने को मिले। और गाइस जब वो भी सीख जाएंगे तो जब आप तीनों चारों जब साथ में रह के खेलोगे तो आप लोग कोई भी गेम टूर्नामेंट हो या फिर फुल मैप का मतलब कस्टम हो या फिर ग्रैंड मास्टर कुछ करो आप लोग हमेशा जीत के आओगे। तो गाइस मेरे को लगता है आप लोग ये सब काम जरूर करोगे। तो गाइस देख सकते हो यहां पे अभी भी छोटा जोन है गाइस 33 अलाइव, और भाई देखो अपना एक बंदा डाउन हो चुका है ठीक है, क्लॉक टावर पे एक पूरी स्क्वाड है। तो गाइस देखो उस बंदे को जैसे जैसे रिवाइव मिल जाता है अपने, देखो अपने टीम का कोऑर्डिनेशन कितना बढ़िया, जैसे वो डाउन है उसको तुरंत रिवाइव मिला। तो गाइस यहां पे देखो उस घर के ऊपर बंदा है, मतलब ब्लैक हाउस है उस घर के ऊपर बंदा। तो मैं सोचता हूं कि चलो भाई काल भाई तो घुस गए अपने ब्लैक हाउस में, अब मैं भी घुसता हूं साइड से ठीक है। तो गाइस देखो यहां पे मैं काल भाई को कवर देने के लिए ब्लैक हाउस में घुसता हूं, और भाई देखो यहां पे सीन कुछ गलत हो जाता है। मतलब भाई पूरी की पूरी जो स्क्वाड रहती है ना भाई देखो उसी के ऊपर कैंप करती है भाई, एक बंदा भी नीचे नहीं आता भाई, हाई लेवल के कैंपर थे। तो मैं हम लोग भी सोच लिए कि हम लोग भी ऊपर नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि गाइस देखो अपने पास तो जोन है पूरा कंफर्म है, और जोन जब आगे बनेगा तो ऊपर वाले बंदे को नीचे उतरना पड़ेगा, जब उन लोग नीचे उतरेंगे तब अपन सब मारेंगे। गाइस देखो दिमाग कैसा लगाया मतलब मैंने ठीक है। तो गाइस यहां पे थोड़ा सा अपन लोग पेशेंस रखेंगे, और भाई देखो यहां पे 27 बंदे अलाइव है, 27 मान के चलो, यहां पे 30 बंदे अलाइव है। तो यहां पे एक काम करता हूं फ्लैशबैंग देखता हूं, अगर फ्लैशबैंग से अंधा हो गया तो मेरे को पता चल जाएगा इसके ऊपर बंदा है। बट गाइस वो अंधा नहीं होता, मतलब यार वो ना वो ऊपर वाले बंदे कितने हार्ड बंदे, तो मतलब अपना पूरा ओपी स्ट्रेटजी लगा देते, बट उनको क्या पता था गाइस यहां पे हम लोग भी एकदम ओपी वाला हाई लेवल वाला स्ट्रेटजी लगाते हैं। लेकिन 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 गाइस यहां पे देखो काल भाई को कुछ ज्यादा जल्दी हो जाता है ठीक है। अभी देखना है गाइस काल भाई डायरेक्ट रस मार देंगे ऊपर, और गाइस जैसा कि मैंने बोला था देखो काल भाई ने ऊपर रश कर दिया, और भाई देखो एक बंदा नीचे आया ठीक है। और भाई देखो देखो इसको फिर से मैंने मैग का हेड मारा। गाइस देखो मैग कितना ओपी चलता है भाई, और इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ गाइस आप लोग भी मैग चलाओ, मैग का बहुत ओपी हेडशॉट लगता है। तो गाइस यहां पे देखो अपने 4 किल हो चुके हैं, और भाई जोन भी मतलब एकदम छोटा वाला है, और भाई इस जोन में 21 बंदे लाइव है ठीक है। और देखो एक बंदा जस्ट मेरे सामने जा रहा ठीक है। तो गाइस यहां पे मैं एबीसीडी को डैमेज दिया 50 का, बट इसने वॉल लगा लिया ठीक है। तो अपने मैं स्क्वाड को बोलता हूं तुम लोग इसको मारो, मैं साइड साइड मैं नीचे जा रहा हूं रोटेट कर रहा हूं, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था 3 बंदे या फिर 1 बंदे मारो और 1 बंदा अपना रोटेट करो ठीक है। तो गाइस देखो इस बंदे ने मेरे को देख लिया है, तो मैं आराम से अपना पूरा वॉल लगा के जाऊंगा, मेरे को पता तो वो बंदा आगे ही जाएगा ठीक है। तो गाइस यहां पे मैं वॉल लगा सबसे पहले, ओबे वॉल लग गया, वॉल लग गया गाइस, थोड़ा सा लेट लगा वो भी गाइस बंदा बहुत चला के, बट इसको क्या पता गाइस यहां पे देखो अपनी पूरी स्क्वाड आ चुकी है, और भाई इस जोन में 17 बंदे अलाइव है ठीक है। और देखो वहां पे पूल के पीछे बंदे हैं, इधर भी बंदे, चारों तरफ बंदे बंदे। तो एक काम करते हैं गाइस अपन लोग पूल के साइड वाले बंदे को मारेंगे, क्योंकि वहां पे देखो 2 स्क्वाड का फाइट चल रहा है, तो मेरे को थोड़ा मोड़ा 1-2 किल भी मिल जाएगा ठीक है। बट यहां पे देखो भाई वो बंदे कतई मतलब हार्ड है ठीक है। एक बंदा यहां पे आया मेरे को डैमेज दिया, बट गाइस इसको मैंने एबीसीडी से यहां पे डैमेज करके पूरा क्लियर कर दिया ठीक है। तो गाइस यहां पे अपने 5 किल हो चुके हैं, और भाई 14 बंदे लाइव इस जोन में, मतलब इसके बाद आप कोई जोन नहीं बनेगा। और भाई देखो एक बंदा इस ग्लूवॉल के अंदर है, मस्त मेडी मार रहा है ठीक है। देखो इसको मैग का पावर दिखाता हूं, और भाई देखो इतने दूर से भी मैग काम कर रहा है भाई। मैग भाई मेरे को फ्री फायर का सबसे बेस्ट शॉर्ट रेंज गन लगता है, लॉन्ग रेंज हो या फिर थोड़ा सा शॉर्ट, हर जगह ये काम करता है भाई, और इसलिए बोलता हूं गाइस आप लोग भी यूज करो। और भाई देखो यहां पे बस 2 बंदे बचे हैं ठीक है। तो गाइस यहां पे मेरे को लग रहा है शायद से वही हिपो पुलिस स्क्वाड हो गए, या फिर वो पहले मर चुके हैं, मतलब मेरे को नहीं लगता। जो भी हो गाइस अपन लोग तो मार ही देंगे, क्योंकि अपन लोग 4 लोग हैं और वो बस 2 बंदे हैं ठीक है। तो गाइस देखो एक बंदा उस घर के अंदर से मार रहा है ठीक है। और गाइस यहां पे देखो किल चोरी, 7 किल हो चुके हैं, और भाई एक बंदा बचा है गाइस। क्या लगता है गाइस जो हिपो पुलिस होगा या फिर नहीं, या क्या पता हिपो पुलिस पहले मर गया, कोई बात नहीं गाइस अपना गेम तो बुइया हुआ। और यहां पे देखो अपने काल भाई नूब डाउन हो गए ठीक है। गाइस वो रहा सामने से बंदा भाई जोन के अंदर से मार रहा था यार। गाइस वो देखो जोन के अंदर भाग रहा, और राजपूत भाई ने बोला यार यशवी मेरा किल नहीं, तो मेरा किल छोड़ दो। तो मैंने कहा कोई टेंशन नहीं गाइस अपन लोग किल छोड़ देंगे। और गाइस देखो ये बंदा आया और ये गया खत्म। गाइस यहां पे बुइया हो चुका है। सो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। हां भाई याद से इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों में जरूर से शेयर कर देना।